Cup after 28 years. फिल्म MS धोनी के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने क्या क्या किया था कि वो हूबहू धोनी ही लग रहे थे? सुशांत से पहले किस एक्टर ने धोनी बनने की इच्छा जाहिर की थी? क्या इस फिल्म का सीक्वल बनेगा? इसके बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर और धोनी के मैनेजर ने क्या कहा? क्या है इस फिल्म से जुड़ी वो तमाम बातें जो आप नहीं जानते होंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जियाल और ये वीडियो डेडिकेटेड है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और इस वीडियो के ज़रिए हम उनके टैलेंट के बारे में बात करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, फिल्म से जुड़े तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज सुशांत भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एक काम, उनकी फिल्में हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच जिंदा रहेंगी। हम हमेशा उनके काम को देखेंगे, उन्हें याद करेंगे। MS धोनी की बात करें तो जब ये फिल्म आई थी तो जो फिल्म देखने गए थे लोग वो MS धोनी के फ़ैन थे, लेकिन जब थिएटर से बाहर निकले तो सुशांत के भी फ़ैन हो गए, क्योंकि इस फिल्म से साफ दिख रहा था कि सुशांत ने कितनी मेहनत, शिद्दत और गंभीरता दिखाई है। ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसमें कियारा आडवाणी, दिशा पाटनी, भूमिका अनुपम खेर नज़र आए थे। नीरज पांडे ने इसे डायरेक्ट किया था, जो कि वेडनेसडे, स्पेशल 26 और बेबी जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। अरुण पांडे और फॉक्स स्टार ने इसे मिलकर प्रोड्यूस किया था और अरुण पांडे धोनी के मैनेजर हैं, उन्हें ही ये फिल्म करने का आइडिया आया था और काफ़ी टाइम से वो धोनी के साथ भी है। इस फिल्म के गानों की बात करें तो 10 सॉन्ग इस फिल्म में थे, जिनमें कौन तुझे यू प्यार करेगा, जब तक, बेसब्रिया, हर गली में धोनी है, ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुए थे। टॉप 10 गानों की लिस्ट में ये गाने शुमार थे। अभी तक भी इनका गानों का क्रेज़ नहीं उतरा है और जब भी इन गानों को सुन रहे हैं तो सुशांत की ही यादें आ रही हैं। गानों को अरिजीत ने गाया था, पलक और अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ दी थी। और बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ तो 1 करोड़ के बजट में बनाया गया था, 133 करोड़ इंडिया में कमाए और 216 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई की थी। उस साल ये तीसरे नंबर पर थी, दंगल पहले नंबर पर थी, सुल्तान दूसरे पर थी, चौथे पर थी एयरलिफ्ट और पाँचवें पर रुस्तम थी। और इस फिल्म को 7.7 की IMDb रेटिंग मिली थी। तो दोस्तों, इस फिल्म की इंटरेस्टिंग बातों की बात करूं तो इस फिल्म का आइडिया सबसे पहले धोनी के मैनेजर को आया था, अरुण पांडे को। और धोनी इस वक्त अपनी मैच के लिए कहीं जा रहे थे और 2000 का वर्ल्ड कप फाइनल हो चुका था। तो धोनी को अचानक किसी बीच एक बच्चा मिला और उस बच्चे ने धोनी से पूछा कि आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं। तो धोनी ने पूरे 5 से 10 मिनट तक इस बच्चे से बात की, इस बच्चे को बताया कि कैसे वो मोटिवेटेड रहते हैं। ये सब अरुण पांडे देख रहे थे, जो कि उनके मैनेजर है, और उन्होंने इसके बाद धोनी से पूछा कि आपको इस बच्चे से पूरे 5 से 10 मिनट बात करने की क्या ज़रूरत थी। तो धोनी ने कहा कि ये 5 मिनट मैंने उसे दिए हैं, लेकिन वो हमेशा उसकी ज़िंदगी भर काम आएंगे और ये बच्चा बहुत आगे जाएगा जब भी ये याद करेगा। तो धोनी की यही खासियत थी, वो बहुत आम लोगों की तरह हैं और हमेशा सबसे इंटरेक्ट करते हैं और अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। वहीं अरुण पांडे की बात करें तो धोनी की स्ट्रगल को वो अच्छे से जानते थे, कैसे वो छोटे से शहर से थे, फिर रेलवे में TC का काम किया और फिर उन्होंने बोला कि इस पर, मतलब धोनी पर, एक फिल्म ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। गेम के अलावा भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड वो रहते हैं, तो ये मोटिवेशन दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए ये आइडिया उन्होंने धोनी के पास रखा। लेकिन धोनी ने बोला क्या ज़रूरत है ये फिल्म बनाने की। और ये जो आइडिया था उस वक्त आ चुका था, लेकिन 2 साल डिले हो गया। उसके बाद अरुण पांडे ने डिसाइड कर लिया कि धोनी पर बायोपिक ज़रूर करेंगे और इसके लिए उन्होंने नीरज पांडे को अप्रोच किया। नीरज पांडे उस वक्त बेबी की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें अक्षय कुमार नज़र आए थे, और नीरज पांडे ने उस वक्त कहा, क्योंकि वो धोनी के बड़े फ़ैन भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि पहले वो धोनी से मिलेंगे और फिर वो तय करेंगे कि बायोपिक करनी है या नहीं करनी। तो वो धोनी से एक क्रिकेट मैच के दौरान मिले थे। उस वक्त धोनी ने अपनी पूरी जर्नी शेयर की, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग नीरज पांडे को लगी। और वहीं धोनी की वाइफ का किरदार किया था कियारा आडवाणी ने, और कियारा आडवाणी ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये रोल प्ले किया था। कियारा ने जो लहंगा पहना था शादी के दिन, जो फिल्म में दिखाया गया था, वो साक्षी का ही लहंगा था, जो कि धोनी की वाइफ है। फिल्म को रियल
दिखाने के लिए, ताकि लगे कि ये बहुत ज़्यादा रियलनेस उसमें आ रही है। इसीलिए रियल लोकेशन का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि धोनी जिस घर में रहते थे वही घर दिखाया गया था, वही उनका पुराना स्कूल, यहाँ तक कि उनके पुराने टीचर्स भी फिल्म में नज़र आए थे। खड़गपुर स्टेशन के सारे सीन्स रियल थे, वहाँ के क्वार्टर्स भी रियल थे जहाँ धोनी रहा करते थे। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी के दौरान जब युवराज सिंह के साथ धोनी का मैच था, फिल्म में दिखाया गया था, 301 रन से अकेले युवराज ने बनाए और धोनी की टीम को हरा दिया था। ये रोल करने वाला हूबहू युवराज सिंह ही लग रहा था जिसको हैरी टंगरी ने प्ले किया था, और रियल एकदम लग रहा था कि वो युवराज सिंह ही होंगे। और जो धोनी की बाइक इस्तेमाल की गई थी वो धोनी की पहली बाइक थी, वो भी रियल इस्तेमाल की गई थी, यामा RX 100, जो कि 4500 रुपये में धोनी ने उस वक्त खरीदी थी। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट दिखाए गए थे जैसे कि धोनी किया करते थे, उनकी क्लिप्स वहीं से ली गई थी, TVS, लावा, गल्फ इंजन ऑयल, ये सब एडवर्टीजमेंट धोनी ने किए थे जो कि फिल्म में दिखाए गए थे। तो ये थे धोनी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और सुशांत ने इस फिल्म में इतनी मेहनत की थी वो साफ नज़र आती थी, और सुशांत की और भी फिल्में हम देखना चाहते थे, उनके काम को देखना चाहते थे, लेकिन सुशांत हमें छोड़कर चले गए, जिसका दुख हम सभी को है। और अब दुख इस बात का है कि अब हम कभी उन्हें किसी फिल्म में नहीं देख पाएंगे, उनकी पुरानी ही फिल्मों को देख कर उन्हें याद करते रह जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला था और सब उसके लिए एक्साइटेड थे। अरुण पांडे जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है और धोनी के मैनेजर है, उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड कप के बाद भी धोनी की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है और अगले पार्ट में ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन जब सुशांत अचानक हमें छोड़कर चले गए, इस वक्त धोनी बहुत ज़्यादा शौक में हैं और उन्होंने कुछ भी इस बारे में नहीं कहा है। अरुण पांडे ने बताया है कि धोनी इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और अरुण पांडे ने ये भी कहा कि पहले इसका सीक्वल आने वाला था, लेकिन अब सुशांत नहीं है तो मैं इस फिल्म के सीक्वल की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस शिद्दत से सुशांत ने काम किया था शायद ही कोई एक्टर हो जो ऐसा काम कर पाए। तो दोस्तों, इस फिल्म के सीक्वल का फ़िलहाल कोई पता नहीं है कि ये फिल्म का सीक्वल आएगा कि नहीं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सुशांत का काम कैसा लगा था ये भी बताइए, और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीक्रैफ्ट स्टूडियोज़ को।